ये खड़े हाथ में तलवार लेकर सनातन की रक्षा के लिए खड़े हैं, ये है सच्चे सिंह। धर्माचार्यों की मांग, सनातन बोर्ड ही समाधान। जब एक धर्माचार्य किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता तो सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है जिसे का खा गा भी नहीं पता। संतों का सनातन ऐलान, क्यों सियासी घमासान? अगर सारे मस्जिदों को अपने आप पे तोड़ा जाए ना, तो सारे मस्जिदों के नीचे से अपने आप पे भगवान की प्रतिमा ही प्रकट होगी, क्योंकि इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है जिसमें हमारा विराजमान है। जितनी भी मस्जिद अगर तोड़ी जाए तो सबके अंदर से भगवान की प्रतिमाएं प्रकट होंगी। इसी सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए वोट मनाया जा रहा है। संत क्यों बोले, ना बटेंगे ना कटेंगे, अब ना सहेंगे। धर्म त्याग यदि हम करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे, दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना, 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। व्यक्ति विशेष में सनातन बोर्ड का संपूर्ण विश्लेषण। दिल्ली में संतों का विशाल समागम हुआ। दिल्ली की धर्म संसद में न सिर्फ देश के प्रमुख धर्माचार्यों ने शिरकत की, बल्कि इसी धर्म संसद से कई ऐसे ऐलान हुए जो विश्लेषण और मंथन का विषय बन गए हैं। धर्म संसद में जो सबसे अहम और बड़ी मांग संतों ने उठाई, वो है सनातन बोर्ड का गठन। धर्माचार्यों का कहना है कि आखिर क्यों मंदिरों और मठों के संचालन का अधिकार सरकारी अफसरों के हाथ में। जब वक्फ बोर्ड है तो ऐसे ही सनातन संपत्ति को सहेजने और संभालने की जिम्मेदारी सनातन बोर्ड को क्यों ना मिले। धर्म संसद में तिरुपति बालाजी के प्रसादम का विवाद भी उठा, तो वहीं संतों ने बटोगे कटोगी की चर्चा में भी अपनी साफ राय रख दी। संतों ने ऐलान कर दिया है कि ना आप बटेंगे ना कटेंगे और ना ही सहेंगे, हिंदुओं का हक लेकर रहेंगे। दिल्ली के करातर नगर में हुए तीसरे सनातन संसद में द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती समेत 50 से अधिक धर्माचार्य शामिल हुए। इसमें 1000 से अधिक लोग शामिल हुए और सनातन धर्म बोर्ड के गठन की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। दिल्ली की धर्म संसद में न सिर्फ देश के प्रमुख धर्माचार्यों ने शिरकत की, बल्कि इसी धर्म संसद से कई ऐसे ऐलान हुए जो विश्लेषण और मंथन का विषय बन गए हैं। धर्म संसद में जो सबसे अहम और बड़ी मांग संतों ने उठाई, वह है सनातन बोर्ड का गठन। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई है। इसके अलावा लव जिहाद, गौ हत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा था। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। पांच को बुलंद करने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। राजधानी दिल्ली में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई। इस धर्म संसद में न सिर्फ देश के तमाम बड़े धर्माचार्यों को न्योता भेजा गया था, बल्कि धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई। इसके अलावा लव जिहाद,
गौ हत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा था। जो हमारी मूल परंपरा है, जो मूल आचार्य हैं, जो मूल मठ मंदिर हैं, जहां धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है, जब उन मठ मंदिरों पर आक्रमण होगा, हिंदुओं पर आक्रमण होगा, माता बहनों की बात आपको स्वयं पता है कलकत्ता वगैरह में क्या हो रहा है, तो इस सब के लिए एक तो होना ही चाहिए। धुमा यंते विभोतानी, जहां अलग अलग लकड़ी होती है धुआं करती है, जब एक हो जाती है तो आग लग जाती है। तो आपने सुना होगा, हमने अपने प्रवचन में कहा है कि समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, अपनी वर्ण व्यवस्था कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करते हुए जहां हिंदू की बात आवे, जहां देश की बात आवे, सनातन धर्म की बात आए, वहां सबको एक हो जाना चाहिए मतभेद भुला करके। कम से कम ये निश्चित होना ही चाहिए कि जो ट्रस्ट गठित हो हिंदू मंदिरों की, वो केवल आस्थावान हिंदू हो, केवल जन्म से हिंदू नहीं, क्योंकि जन्म से बहुत से हिंदू हैं जो बाद में, जैसे दक्षिण में देखा जा रहा है, धर्मांतरण के शिकार हुए, तो उनकी आस्था भी सनातन के प्रति नहीं रही, वहां भी कठिनाइयां हुई। तो आस्थावान सनातनी हिंदू ही सनातन मठ मंदिरों में, ट्रस्ट में आए, कमेटी में आए, तभी यह होगा कि जब वे एक सनातन विचारधारा का सनातन बोर्ड होगा, तो ऐसे सभी विषयों पर, अब पैसा धन एकत्रित होता है हिंदुओं की आस्था से, लेकिन प्रयोग होने लगता है कहीं कहीं, क्योंकि वो स्वयं विधर्मी है, कहीं कहीं प्रयोग होता है। तो ये सब बातें निश्चित रूप से गंभीर विचारणीय है। और जहां तक बात है सनातन की, सनातन केवल भारत की आवश्यकता नहीं, सनातन केवल हिंदुओं की आवश्यकता नहीं, सनातन यदि विश्व को शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, तो सनातन पूरे विश्व की आवश्यकता है। मैं हिंदुओं से अपील करना चाहूंगा, अगर फिर कहता हूं, चेत जाओ, सचेत जाओ, जग जाओ, नहीं तो बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हो। आज बांग्लादेश में पूज्य महाराज जी कह रहे थे हमसे पूर्व वक्ता कि इस्कॉन मंदिर के आचार्य लगातार वहां पर सैकड़ों साल से लाखों लोगों को डेली नित्य प्रतिदिन भोजन कराते थे, और ये आतंकवादी के बच्चे उस मंदिर के सामने में बैठकर, जब पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग इस मंदिर के सामने किस लिए बैठे हो, उसने कहा कि इस मंदिर के रक्षा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जैसे रात में एक बजा पूज्य महाराज जी, उस इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। जलाने वाले कौन थे? धर्म संसद का एजेंडा, सनातन बोर्ड का गठन, लव जिहाद पर लगाम, गो हत्या पर पूरी तरह रोक, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, हिंदुओं की एकजुटता। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनिक पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। धर्म संसद में 13 अखाड़ों के संतों के साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वाराणसी से भी संत और आम भक्त शामिल होने पहुंचे थे। धर्म संसद में हिंदुत्व और सनातन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और मंदिरों मठों पर अधिकार का मुद्दा भी चर्चा का केंद्र बना। आज इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए कानून बना है और मुसलमान अपने कानून का पालन स्वयं नहीं करता, केवल हिंदू कानून के पालन करने के लिए बना है। आज इस देश के अंदर मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है, फिर भी अल्पसंख्यक हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या 19% है, फिर भी अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और अल्पसंख्यक का दर्जा हमारी कोर्ट देती है। कोर्ट निर्णय करती है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के कई जिले मुस्लिम बहुल हो गए,
फिर भी मुसलमान अल्पसंख्यक है। आज मैं सनातन बोर्ड की ओर से मांग करता हूं मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए, ये मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस इस बैठक में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर रहा। धर्म संसद में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी के मिलने का मसला उठा और संतों ने कहा कि यह घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सनातनी बोर्ड बेहद जरूरी हो जाता है। अभी नारा उठा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब नारा लगाते हैं, अरे हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, और बल्कि आगे बढ़कर कहेंगे यदि सनातन वक्त बोर्ड की स्थापना हो गई तो हम बटेंगे तो नहीं, कटेंगे भी नहीं, किंतु इतनी ताकत आ जाएगी हम काटेंगे। और जब हम काटेंगे तो याद रखिएगा हमारी अहिंसा में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला आदमी हथियार नीचे रख दे। वहीं धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन के बाद जो सबसे चर्चित मुद्दा उठा वो है गोरक्षा और धर्मांतरण। संतों ने लव जिहाद पर फुल स्टॉप की मांग की तो साथ ही गोरक्षा के लिए सख्ती की मांग की। इसके अलावा संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और हलाल सर्टिफिकेट के मुद्दे पर भी धर्म संसद में आवाज उठाए। मैं ज्ञान संत आचार्य लोकेश मुनि भारत सरकार से मांग करता हूँ समान नागरिक संहिता इस देश में लागू की जाए। मैं देख रहा हूं अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, संविधान की बात को लेकर के हर दल बात कर रहा है। हमारा भारत देश एक संविधान और एक प्रधान की बात करता है तो भला उस देश के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे हो सकता है? ये अन्याय है और आज उस अन्याय का खत्म करने के लिए ये धर्म संसद का आयोजन भारत की राजधानी में हुआ। धर्म संसद के दौरान संतों ने न सिर्फ बटोगे कटोगे नारे का समर्थन किया बल्कि साफ कर दिया कि अब सहेंगे नहीं और हिंदू का हक लेकर रहेंगे। धर्म संसद के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे शब्द भी सुनने को मिले। धर्म संसद में संतों ने सनातन बोर्ड, लव जिहाद और हलाला जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के संतों ने तीखी तरह से इस मांग को उठाया। अब सनातन बोर्ड को लेकर के उनका अगला कदम क्या होगा या देखने वाली बात होगी। विनित कुमार, न्यूज 18, दिल्ली। संतों ने सनातन बोर्ड की मांग की है तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है वो कैसा हो और इसका मकसद और प्रारूप क्या है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पांच को बुलंद करने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्य। दिल्ली की धर्म संसद में संतों ने सनातन बोर्ड के गठन का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत बड़ा सीना चाहिए और मुझे आपके 56 इंच के सीने होने पर कोई संदेह नहीं। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, जय जय श्री राम। संतों का सवाल है कि आखिर क्यों किसी भी मठ मंदिर या देवालय के संचालन का जिम्मा किसी सरकारी अधिकारी के पास हो। संतों का तर्क है कि सनातनी परंपरा को सहेजने का सही काम संत ही कर सकते हैं और इसके लिए ही सनातन बोर्ड सबसे अहम हो जाता है। हम तो कहते हैं कि अपने आप में जितने भी मस्जिदें हैं ना धरती पर, अगर सारे मस्जिदों को अपने आप पे तोड़ा जाए ना तो सारे मस्जिदों के नीचे से अपने आप पे भगवान की प्रतिमा ही प्रकट होगी, क्योंकि इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है जिसमें हमारा विराजमान है। जितनी भी मस्जिद अगर तोड़ी जाए तो सबके अंदर से भगवान की प्रतिमाएं प्रकट होंगी, इसी सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है। संतों ने सनातन बोर्ड की मांग की है तो जरा समझने की कोशिश करते हैं।
कि आखिर जिस कोर्ट के गठन की मांग की जा रही है वो कैसा हो और इसका मकसद और प्रारूप क्या होने की मांग की जा रही है। उद्देश्य मठ मंदिरों को सहेजना, मांग धर्माचार्यों के पास अधिकार हो। उद्देश्य ये भी है कि सनातन का प्रसार हो। मांग है कि सरकारी नियंत्रण न हो। उद्देश्य दान राशि का सही इस्तेमाल। मांग पुण्य कार्यों में खर्च हो धनराशि। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए और वक्त पड़ने पर राजस्थान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, एक आवाज लगाने की जरूरत है। सब जयपुर और उज्जैन जहाँ जाना है वहां पहुंच जाएंगे। उसको समझ में नहीं आता, कहने वाला मंच से कह देता है कि हमने रोक रखा है। वो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान को आगे लेकर चलते हैं, हम संविधान को मान देते हैं, इसलिए जरा विचार कर चलते हैं। मेरा सभी सनातनी बंधियों से निवेदन है और सारे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है कि हमारे देवता बिना शस्त्र के नहीं रहते, आप हमारे शस्त्र और शास्त्रों का साथ बनाकर चलें। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठी है और संतों ने इसे सनातन के लिए बेहद जरूरी भी बताया। आम लोगों की इसे लेकर क्या राय है ये भी जानते हैं। उनके देश की सुरक्षा हो, देश का हित हो, देश का भला हो, हम साधु संत यही चाहते हैं। अगर मान लो ऐसा नहीं होगा तो सनातन के धर्म से हम मरना चाहते कि समस्त नागरिक के पास यह संदेश जाए कि सनातन बोर्ड कितना आवश्यक है। जिस प्रकार से समाज में दुनिया भर के थूक जिहाद, पेशाब जिहाद और फलों पर थूके जा रहे हैं, बहन बेटियों के ऊपर उठाए जा रहे हैं, इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। और मैं मांग करता हूँ कि भारत के सभी घरों से नौजवान युवा पीढ़ी इस सनातन बोर्ड के गठन में अपना योगदान दे। हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि आज जो वक्फ बोर्ड कहीं पे दावा ठोक देता है उसके लिए ना तो हम किसी कोर्ट में जा सकते हैं ना कुछ, उनके पास जाना पड़ता है। जो हमारे ऊपर कंप्लेंट होगा है उनके पास जाके हमें कुछ मिलता नहीं है, इसलिए इस बोर्ड का जल्द से जल्द गठन हो और ये बने। पूजा पत्ती को इस्लाम के लोग बदनाम ना करें, बुरा ना करें, तो मैं मीडिया के माध्यम से सबसे पहले यही चाहूंगा कि हमारा ही मंदिर दिल्ली का 700 वर्ष प्राचीन से ज्यादा मंदिर श्री गौरी शंकर मंदिर, उसके पदाधिकारी वहां से मुस्लिम औरतों को हटाएं। वो मुस्लिम औरतें साधु संतों को नहीं बैठने देती, उन्हें धमकाती हैं, उन्हें मारती हैं। जब हमारा सनातन, हम ही हिंदू, हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू मंदिर के अंदर मुस्लिम का क्या काम? हमारा हिंदू संगठन होगा जो आज हम टुकड़ों में बैठे हुए हैं घर घर, आज हम एकत्रित होने का दम रखते हैं और हमारा ये देवकी नंदन महाराज जी हमारे इसे एकत्रित करके सभी हिंदुओं को एक करना, और इसका फायदे तो इतने हैं कि हमारा देश उन्नति की राह पर जाएगा। संतों की मांग है कि अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो क्यों हिंदू मंदिरों और मठों का अधिकार सरकारी अफसरों के हाथ में हो? क्यों ना सही पूजन पद्धति, सनातन की सही परंपराओं के प्रसार का काम धर्माचार्यों और संतों के हाथों में? और इसी मांग पर सियासत भी हुई। बड़ा षड्यंत्र सनातन के खिलाफ चल रहा है। और एक बात और बता देता हूँ कि सनातन के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है ऐसा नहीं कि केवल विधर्मी चला रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, सनातन को कोई इस्लाम से बहुत नुकसान नहीं है और क्रिश्चियनिटी से बहुत नुकसान नहीं है। सनातन को अपने को सनातनी कहने वाले बहुत लोग ऐसे हैं पाखंडी, उनसे ज़्यादा नुकसान है। अलग अलग दुकानें चली रही हैं अपने अपने नाम का, अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब, अलग अलग संप्रदाय बना करके, कोई गायत्री परिवार के नाम पर, कोई प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के नाम पर, कोई भ्यंगम योग के नाम पर, कोई आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर, कोई और रामफल जैसे लोग हैं, वैसे राम रहीम वाले लोग हैं। एक तरफ संतों की मांग है तो दूसरी तरफ इसे सियासी मुद्दा भी बताया जा रहा है। वीएचपी ने भी ऐसे ही तमाम मुद्दे को लेकर तीखे सवाल उठाए कि आखिरकार ये घटना एक भी होती है तो क्यों होती है, और उस पर जो है ये जो सेकुलर ब्रिगेड के राजनेता हैं वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार हिंदू ही इस देश के अंदर अल्पसंख्यक तथाकथित अल्पसंख्यकों को संविधान में भी विशेषाधिकार दिए हुए, आप देखे ना जी आर्टिकल 29, 30 और अनेक ऐसे प्रोविजन के माध्यम से, लेकिन
फिर भी हिंदू समाज ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज हिंदू समाज के न मेरी बेटियां सुरक्षित हैं, न मेरा जो जो मंदिर सुरक्षित हैं, न मेरी आस्था के केंद्र सुरक्षित हैं, तो आखिरकार हिंदू समाज कहाँ जाएगा? हिंदू अब लेकिन संगठित हुआ है। हमने ये कहा है सीधा सीधा कि कोई ये जो जिस तरह से भड़काऊ भाईजान है ना जी, लगातार कभी हैदराबाद से आवाज आती है, तो कभी बरेली से आवाज आती है, तो कभी जो यहाँ 10 जनपद से आवाज आती है, ये सारे के सारे एक ही सेकुलर उसके सेट के चट्टे बट्टे हैं। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत बड़ा सीना चाहिए, और मुझे आपके 56 इंच के सीने होने पर कोई संदेह नहीं। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, जय जय श्री राम। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के साधु संत और भी मुखर हो चुके हैं। हिंदू धर्म और सनातन के प्रचार प्रसार को लेकर के साथ ही साथ मंदिरों और मठों पर और अधिकार की मांग लगातार संत कर रहे हैं। संतों की इस मांग का क्या होगा? क्या इस पर और भी सियासी पारा चढ़ेगा? इस सवाल का जवाब काफी अहम हो जाता है। विनित कुमार, न्यूज 18, दिल्ली। नारों पर तीखी सियासत हो रही है, तो वहीं संतों की तरफ से भी इसे लेकर समर्थन सामने आ गया है। संतों ने भी बटुगे कटुगे वाले नारे का समर्थन करते हुए कहा है कि न बटने वाले हैं, न कटने वाले हैं, अब नहीं सहेंगे और हिंदू हक लेकर रहेंगे। संतों की अपील और सियासी नारा अब सियासत में उबाल दिखना लाजमी है, लेकिन बटुगे कटुगे पर संतों के समर्थन का क्या असर होगा, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। बटे थे जो ये डिवाइड एंड रूल का नारा था, जो अंग्रेज के भी देखे गए थे। अरे ये काम और शरण के मूल सकता। मैं समझती हूँ लोगों ने सेटिंग को नकारने का काम किया है। न बटेंगे और न कटेंगे के नारे पर चल रही सियासत को अब संतों का भी समर्थन मिल चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया और इसे ही आगे बढ़ाते हुए एक रहने, नेक रहने और सेफ रहने की बात आई। उधर विपक्ष की तरफ से इसे लेकर तीखे कटाक्ष किए गए। बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में पान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो। बटने कटने वाली सियासत पर विपक्ष भी मुखर होकर बोल रहा है। पूरे देश के लोग सौहार्द पसंद करते हैं, नेगेटिव नकारात्मकता को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि नकारात्मक राजनीति से, नकारात्मक सोच से वो चुनाव जीत सकते हैं। जो ये डिवाइड एंड रूल का नारा था, जो अंग्रेज कभी देखे गए थे, उसी के विचारवंशी लोग हैं ये। लोगों को बोलते हैं तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंत का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है? आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। और तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है ये लोकतांत्रिक नहीं है। नारों पर तीखी सियासत हो रही है, तो वही संतों की तरफ से भी इसे लेकर समर्थन सामने आ गया है। संतों ने भी बटोगे कटोगे वाले नारे का समर्थन करते हुए कहा कि न बटने वाले हैं, न कटने वाले हैं, अब नहीं सहेंगे और हिंदू हक लेकर रहेंगे। सर्वाधिक हिंदू जिस हिंदुस्तान में है, भाईचारे की जिम्मेदारी इनकी,
सांप्रदायिक सौहार्द की जिम्मेदारी इनकी, सेकुलर होने की जिम्मेदारी इनकी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के हिंदू को देखती है, पर यही हिंदुस्तान जब बांग्लादेश में काटा जाता है, पाकिस्तान में काटा जाता है, तब दुनिया की दृष्टि उसके तरफ नहीं जाती है। इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सियासी नारे से सनातन के एक नए आंदोलन का सूत्र पिरोया जा रहा है। संतों ने न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि एकजुटता की अपील भी की है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। संतों की अपील और इस पर सियासी नारा, इस पर सियासी उबाल होना लाजमी है, लेकिन बटोगे तो कटोगे के नारे पर संतों के समर्थन का क्या असर होगा, यह भविष्य ही बताएगा। कैप्टन रमेश रत्नाकर के साथ विनित कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।